जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल स्टडी हेल्थ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो एमपी ग्रुप 5 का एग्जाम हुआ है, लैब असिस्टेंट लैब अटेंडेंट। इसमें दोस्तों हमने लास्ट डे में एक वीडियो बनाया था आप लोगों को कट ऑफ से रिलेटेड। तो दोस्तों मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट्स देखने को मिले कि सर आपका जो एनालिसिस है थोड़ा रॉन्ग जा रहा है क्योंकि इतना स्कोर नहीं आया। तो फ्रेंड्स मैंने बोला भी था कि मैंने सिर्फ ओनली वन सेंटर का रिव्यू लिया है जिसके आधार पर आप लोगों का कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी दोस्तों मैंने बोला था आपका माइनस प्लस हो सकता है क्योंकि हमारे पास 100% डाटा एक्यूरेट डाटा नहीं है कि आखिरकार किस कैंडिडेट का मार्क्स कितना है, जिससे कि हम आपको 100% बता सकें कि आपका जो कट ऑफ है इतना ही जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी इसी समस्या को देखते हुए हमने यहाँ पर एक तरकीब निकाली है जिससे कि आपको बिल्कुल पता चल सकता है कि आपका कट ऑफ इतना ही जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे 40 जाएगा, 40 से माइनस जाएगा, बहुत से कमेंट्स देखे गए 50 से कम जाएगा। तो आपकी इसी समस्या को देखते हुए दोस्तों मैं यहाँ पर एक आप लोगों से बात बोलना चाहूंगा जो कि आपको करनी होगी, और विश्वास मानिए आप खुद जान जाएगी कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा यदि आपने इन सारी चीजों को फॉलो किया जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा टाइम न लगाते हुए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, और साथ ही में आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स अधिक से अधिक शेयर करिए क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी आपका यहाँ पर जो मैं बात बताने वाला हूँ वो यहाँ पर सही होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं आपको करना क्या है। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आगे अगली स्लाइड में आपको बताने वाले हैं आपको करना क्या है। तो दोस्तों आपको करना यही है कि आपको आना है क्या स्टडी हेल्प चैनल के किस में कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों आप वहां पे आएंगे तो आपको यहां पर क्या करना है, दोस्तों आपको करना ये होगा कि आपका जिस तारीख में एग्जाम हुआ है सबसे पहले आप उस तारीख को डालेंगे, मतलब डायरेक्टली ऐसे डाल देना, महीना ही ना डालने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ईयर डालने की जरूरत है, सिर्फ डेट डाल देना। आपको पता है आपका एग्जाम 8 से स्टार्ट हुआ था और वो चला था कब तक, आपका चला है 11 तक। जैसे कि आपको 8 को हुआ था तो दोस्तों सबसे पहले आपको 8 डालना है, फिर आपको करना क्या है आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो आप ओब्लिक के बाद टोटल मार्क्स में आप जितने भी आए हैं आपके 40 है, 45 है, 50 है, 60 है, वो मार्क्स डाल देने हैं। देन इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना है आप क्या आपके एग्जाम की डेट के बाद आपको दोस्तों पोस्ट नेम जरूर डाल देना है, मतलब आपकी पोस्ट क्या थी। तो दोस्तों आप अपनी पोस्ट को आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया है आपको कि आपको करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी पोस्ट डाल देनी है, आप लैब असिस्टेंट से थे, अटेंडेंट थे, या फिर आप डार्क रूम सहायक थे, किसके लिए आपने फॉर्म डाला था आपको वो डाल देना है, शॉर्ट में डाल देना हम समझ जाएंगे। देन इसके बाद आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपका जेंडर डालना है, आप मेल है फीमेल है, मेल है तो एम डाल देना, फीमेल है तो एफ डाल देना। देन इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको वर्ग डालना है, आपकी कैटेगरी, यदि आप जनरल से हैं तो जी डाल देना, यदि आप ओबीसी से हैं तो ओ डाल देना, यदि आप एससी से हैं तो एससी डाल देना, एसटी से हैं तो एसटी डाल देना, बस इतना कर दो। दोस्तों जैसे ही एक्यूरेट डाटा हमको मिलता है आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा कि आपका कट ऑफ जी जाने वाला है, और आप खुद समझ जाएंगे कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। लेकिन एक काम जरूर करना होगा, इस जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वीडियो, इसको आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, मतलब एक करीबन दोस्तों 500 के उस पार तो पहुंच जाना चाहिए तभी हम यहाँ पर 100% बता पाएंगे। दोस्तों करने के लिए तो मैं आपका हमारा जो सेकंड चैनल है उस पर आप लोगों का कम्युनिटी टैब पर हम यहाँ पर पोल क्रिएट कर सकते थे, लेकिन वहां पे क्या है बहुत ज्यादा पब्लिक है सेकंड चैनल पे और अदर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो कुछ तो ऐसे है कि मुंह उठा के ऐसे ही वोट्स कर दिया, मतलब एग्जाम देने गए नहीं, पता कुछ है नहीं और वोट डाल दिया, तो वहां पर हमारा जो डाटा है बिल्कुल मिस हो जाएगा। और इस चैनल पे क्या है, इस चैनल पर ओनली एमपी वाले हैं और जिनने एग्जाम दिया है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो ही है, सीरियस पर्सन है, मतलब झूठ बोट कोई नहीं करेगा मेरे को विश्वास है, क्योंकि ना तो आपको कुछ मिलने वाला है ना ही मेरे को कुछ मिलने वाला है। एक एनालिसिस हम निकालने वाले हैं जो कि आपको सच्चाई से रूबरू कराएगा कि हाँ आपका कट ऑफ इतना जाएगा। आपको सही सही कमेंट्स करना है, सही मार्क्स बताना है, जितना मार्क्स आया है उतना ही बताना है, ना ही कम ना ही ज्यादा। ओके, इसलिए मैं उस चैनल पर पोल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, इस पे आपको कमेंट्स बॉक्स में जाना है और जिस सारी चीजें आपको फॉलो करनी है जैसे कि मैंने बताया है आपको आपकी पोस्ट, आपको आपके टोटल मार्क्स, आपको आपकी एग्जाम डेट, लिंक और वर्ग, मतलब कि कैटेगरी आपकी क्या है। ओके, इतना सब कुछ करिए दोस्तों आपको बिल्कुल तुरंत ही खुद आप कमेंट्स बॉक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं भाई कट ऑफ इतने से कम तो नहीं जाने वाला या फिर इतने से ज्यादा तो नहीं जाने वाला।
मैं भी बताऊंगा, लेकिन आपको भी एक एनालिसिस समक्ष आएगा आपके सामने निकल के। दोस्तों है क्या कट ऑफ, आप लोगों ने एग्जाम दिया है, आप लोगों की मार्क्स का एनालिसिस किया जाएगा, जो एग्जामिनर करेगा वो हम यहाँ पर कर लेंगे। सिर्फ हमको पता तो चले कि हाँ भाई इतनी कैटेगरी में इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं। अभी क्या है, मार्क्स पता नहीं है तो कोई नहीं बता सकता कि भाई कट ऑफ जाएगा तो कितना। हो सकता है 60 से प्लस वाले भी बहुत से कैंडिडेट हो सकता है 70 से प्लस वाले भी बहुत से कैंडिडेट हो, आपकी जितनी पोर्ट है उससे भी ज्यादा 70 प्लस मार्क्स लेके आए हो, अभी किसी को पता कुछ नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग कमेंट्स करें, अपने मार्क्स शेयर करें, तभी हम यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं। तो बस यही सारा बोलना चाहता था दोस्तों, मैंने बोल दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लासेज यहाँ पर जल्दी से कंटिन्यू करने वाले हैं, आप जिस सब्जेक्ट की बोलेंगे उसकी। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।